राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। तो आज है गोवर्धन और यहाँ पर गोबर से गोवर्धन बना रहे हैं। तो छत वगैरह धुल गई थी और उसके बाद में ना यहाँ पर ना हम मतलब देवरानी और मैंने मिलकर के और गोवर्धन बना लिया था। और बच्चों को देखे, इनको बड़ा एक्साइटमेंट होता है जब भी ऐसा कुछ काम होता है ना, तो ये बड़े एक्साइटेड होकर के देखते कि हो क्या रहा है। खैर, आज है ना गोवर्धन है, तो आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ। गोवर्धन आने के बाद में यहाँ पर मैं आ गई थी, मैंने ना हाथ मुँह वगैरह धो लेते, कपड़े चेंज कर लिए थे पूजा के लिए। और यहाँ पर ना मैं यहाँ पर मंदिर से सुबह के टाइम ही सुबह जल्दी उठ करके, दिवाली के नेक्स्ट डे ही मतलब मैं सुबह जल्दी उठ करके और सारा झाड़ करके और मेन गेट पर एक दिया जलाया जाता है, वो दिया जला दिया था। और फिर उसके बाद में ना मंदिर से ना सारे बर्तन वगैरह हटा लिए थे, क्योंकि आज ना फ्राइडे भी है। तो फ्राइडे वाले दिन मैं ना कलश स्थापना और ये सब कुछ करती हूँ, मंदिर की सफाई ये सब कुछ, तो ये सब काम करने ही थे। और फिर दिवाली के अगले दिन तो ये सारे काम होते ही हैं, तो मैंने सारे बर्तन हटा लिए थे, उनको अच्छे से धो दिया है और सबको है ना पैक कर करके रख रही हूँ। ये हमारे भगवान जी के बर्तन है, हमारे प्रभु के बर्तन है सारे के सारे, तो इनको है ना बड़ी ही संभाल करके रखती हूँ। मैं पन्नी के अंदर बंद कर देती हूँ, उससे ये होता है कि ना ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं और फिर ना काले नहीं पड़ते हैं बर्तन। नहीं तो अगर ऐसे ही रख देंगे ना, तो ये बर्तन है ना काले हो जाते हैं, फिर दोबारा यूज़ करो ना, तो इनको फिर साफ करते रहो। इस टेबल ने ना बहुत मदद करी पूजा में, सारी जो पूजा की सामग्री थी, सारा सामान था, सब इधर ही रखा। मंदिर में तो जगह ही कहाँ थी, बस मैन रखा था, सारा यहाँ पर ही रख करके पूजा करी, यहीं पर ही उनको पंचामृत से स्नान कराया। इस टेबल ने बहुत मदद कर दी। चावल ही चावल हो गए थे, चावल का एक कटोरा भर के ले आई थी। 12 में चावल की जोत पड़ रही थी स्थापना के लिए, कभी कलश के नीचे लगाने के लिए। अभी हाथ मुँह धोकर के हो गई हूँ तैयार और आज है ना गोवर्धन है, तो बस अब गोवर्धन की पूजा होगी। रात के 10:30 बज रहे तो गोवर्धन हमारे यहाँ पर ऐसे ही पूछते हैं। पहले स्टार्टिंग में ना पहले आदमी पूछ लेते हैं घर के, फिर उसके बाद में ना सारी लेडीज़ एक साथ पूछ लेती हैं, ऐसे मतलब जोड़े से नहीं पूछते हैं, मतलब पहले आदमी पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद में सारी लेडीज़ लोग पूछ लेती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पापा ने पूछ लिया था, फिर उसके बाद में ना सभी लोग पूछ रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके, और फिर उसके बाद में परिक्रमा कर लेंगे। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही पूछता है, आप लोगों के यहाँ कैसे पूछता है बताइएगा। और गोवर्धन वाले दिन है ना अन्नकूट बनता है, लेकिन मैं ना कढ़ी और चावल बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना खुद बनाने हैं ना, एक्चुअली मैंने कभी बनाया नहीं है, ट्राई करूँ तो बन भी जाए लेकिन भैया मैंने कभी बनाया नहीं है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि कढ़ी और चावल ही बना लेती हूँ आज के दिन। और यहाँ पे ना हर्षित भी है ना, वो कर ले रहा है ना पूजा। अब परिक्रमा जल्दी हो रही है, पीछे रह गया ना। सबने पूजा कर ली थी, उसके बाद में हम लोग भी पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले मम्मी ने कर ली थी, फिर उसके बाद में हम लोगों ने भी कर ली थी तीनों ने। तो इस तरह से ही करते हैं हम लोग पूजा हर साल, आपके साथ में हमेशा ही शेयर करते हैं। बस यही है कि गोवर्धन महाराज की कृपा हम पर बनी रहे, हमारे परिवार पर बनी रहे, जैसे उन्होंने पहाड़ को उठा करके, गोवर्धन पर्वत को उठा करके सभी ना ब्रजवासियों की ना वो करी थी मदद, उनको सुरक्षा प्रदान करी थी, ऐसे ही वो हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखे, हमें भी ना इस देश दुनिया से आपदा विपदा से सुरक्षित रखें, यही कामना करते हुए गोवर्धन महाराज की पूजा कर रहे हैं। परिक्रमा भी कर ली थी, परिक्रमा कहते हैं कि गोवर्धन महाराज की गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करके आओ, उतना फल अगर आज के दिन इनकी साथ परिक्रमा कर लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है। तो बस यहाँ पे ना कर ली थी, और उसके बाद में ना उनको ढोग लगा लिया था, और उसके बाद में ना फिर पूजा ना कोई भी पूजा हो, बड़ी पूजा हो, कम से कम डेली की तो नहीं, लेकिन ना जैसे ना बड़ी पूजा होती है, तो उसके बाद में फिर अपने घर के बड़ों के हम लोग ना पैर छू लेते हैं। पहले जब मैं नई नई आई थी ना, तब तो मैं डेली मम्मी के पैर छूती थी। सो
और उनका मन कर रहा है कि मैं भी कूदूं। अंशु मम्मी ने कान बंद नहीं करे, मम्मी से तो करा। फूटेगा क्या? नहीं। मैंने फिर कान हटा लिया, हाथ हटा लिया, हाथ हटा। तू दूर उठ ले ना मजनू, मम्मी फूट रहा है, मम्मी ने तेरे कान हटा लिए। अबे अरे चल मम्मी, आजा आना आजा ना रे ना बच्चे लोग भाग जाओ। आज है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर आज है ना दोज भी थी और सुबह है ना भगवान के साथ में अपनी दोज की पूजा कर ली थी और अभी मैं यहाँ पर ना अपनी तुलसी माला को ठीक कर रही हूँ। मेरी तुलसी माला है ना थोड़ी सी है ना थोड़े टाइम के बाद में ना ढीली सी हो जाती है, तो फिर ना उसको मैं क्या करती हूँ कि टाइट कर लेती हूँ, और टाइट करती हूँ ना तो इसको खोलना तो पड़ता ही आगे के पेचों को। तो क्या करती हूँ कि उसके अंदर असली जो तुलसी के वो होते हैं ना मोती जो मैं बनाती हूँ, आपको बताए भी थे एक वीडियो के अंदर कि मैं ना ऐसे तुलसा जी की जो डंठल होती उनको पानी में भिगो करके रख देती हूँ, फिर वो थोड़ी सी गल जाती हैं, फिर उसके बाद में ना सुई से उनको पिरो ना तो वो आराम से पुप जाती हैं। तो वही मैंने किया है यहाँ पर, और उसके बाद में बस भगवान का नाम लेकर के और इसको है ना मैंने पहन लिया। थोड़ी सी टाइट रह रही है ये, तो मुझे लगता है कि इसको दोबारा से खोल करके और मुझे इसको सही करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों से यही सब कह रही थी और उसके बाद में मैं यहाँ पर अपने काम में लग गई थी, क्योंकि अब थोड़ी सर्दियाँ सी आ गई ना, सुबह के टाइम में जब मैं उठती हूँ ना 4:30-5 बजे तो बहुत ठंड लगती है। तो मैं ना यहाँ पर ना बिस्तर वगैरह निकाले, कंबल निकाल दिया था एक तो, कि रात में ना ठंड पड़ती है, इनको गर्मी लगती है मुझे ठंड लगती है, तो मैंने कंबल निकाल लिया था। और सुबह के लिए अपने लिए शॉल कैप और जर्सी वगैरह निकाल ली थी, और हर्षित के लिए ना एक कोट भी निकाल लिया था। ज़्यादा कपड़े अभी नहीं निकाले हैं क्योंकि अभी इतनी सर्दी नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी सर्दी तो है ही है, बस के अंदर सर्दी भी लगती है, तो मैंने हर्षित को है ना कोट निकाल दिया। यहाँ पर ये थोड़े बहुत सजावट वजावट का सामान लगाया दिया था तो उनको भी मैं ना हटा रही हूँ। लगाते समय तो कितना अच्छा लगता है ना कि हाँ दिवाली आई दिवाली आई दिवाली आई, और फिर हटाओ तो वही है कि कैसा लगता है ना कि जैसे कोई अपना चला गया है, मतलब जैसे कोई आता है घर के अंदर मेहमान और फिर वो चला जाता है, तो कैसा लगता है ना वैसी वाली फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पर मैं इनको भी ना पन्नी के अंदर इस तरह से रख देती हूँ, ये कम से कम 4-5 साल पुराने हैं, देखो अब तक भी है ना कितने ऐसे लगता है जैसे कि अभी लेकर के आई हूँ मैं। और अभी ना आपको बैकग्राउंड में बम फटाखों की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि अभी त्यौहार चला गया है, मतलब आज दोज है लेकिन है ना फिर भी है ना बम फटाखे तो चल ही रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो सफ़ेद कलर के वो क्रोशियों से बनाए हुए लगा रखे थे ना उनको मैंने हटा दिया और इस तरह से है ना ये लगा दिए, और मतलब ये घास वाले लगा दिए। और मेरे पास है ना मैंने एक है ना चौकोर भी बनाया था, पता नहीं वो कहाँ पर खो गया, दिख ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली, पलंग की सफाई कर ली, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ गया। सो अभी है ना ये तुलसी माला कुछ इस तरह से लग रही है, पहले ये तुलसी माला ना यहाँ तक आ रही थी और पहले बनाई तो वो कुछ ज़्यादा ही टाइट हो गई थी, फिर मैंने इसको थोड़ा सही किया है, अब ये एकदम ठीक है, पहले तो दम घुट रहा था, एकदम ठीक है अभी। और यहाँ से ये सारे सब कुछ हटा दिया है, वाइट वाले है ना तो फिर डेली बेसिस पे सही नहीं रहता, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो हम काम भी करते हैं, कई बार तो हमें ये वाला ये जो सारा डेकोरेशन वगैरह ये सामान ये भी हटाना पड़ता है क्योंकि दुकान का सामान आ जाता है। तो और मैंने जैसे है ना गोल गोल बनाए ना क्रोशे के, ऐसे मैंने एक चौकोर भी बनाया था, छोटे छोटे गोल गोल बना बना करके और उनको जॉइंट किया था। लास्ट वाली वीडियो में लास्ट ईयर के वीडियो में देखिएगा, डेकोर वीडियो में मैंने टीवी के ऊपर ढका था उसे, लेकिन अभी है ना वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा, पूरे घर की सफाई हो गई लेकिन पता नहीं मैं कहाँ रख करके भूल गई हूँ, और मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा है कहाँ रख दिया है। और ना मुझे अच्छे से याद है मैंने वहीं पर ही रखा था या मैंने पलंग में रख दिया था, लेकिन मैंने पलंग की भी पूरी सफाई करी है, यहाँ की भी पूरी सफाई कर ली,
मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। इतनी मेहनत से बनाया था ना सच में, और इतना प्यारा था वो। दोबारा तो हलाल बनने वाला भी नहीं है। खैर, अगर भगवान ने चाहा तो मिल जाएगा, और अगर किस्मत में नहीं होगा तो नहीं सही। तो चलिए, अब इस वीडियो को इतने पर दुख होता है थोड़ा सा कि इतनी मेहनत से बनाया था, बहुत मेहनत लगी थी उसमें भी। जो बनाते हैं, क्रोशे का काम करते हैं, वो जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों को बनाने में। और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है कि हम इसके अंदर अपना दिल डालते हैं, कि ना हम कितने दिल और जान से बनाते हैं, और फिर वो चीज़ खो जाए तो दुख तो होता ही है। खैर, इन सब बातों को छोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना कि किसी भी चीज़ में मोह नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मोह माया ये सब चीज़ें, तो जाने देते हैं जो भी है। तो चलिए, अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, कमेंट भी कर दिया कीजिए, राधे राधे लिख दिया कीजिए चाहे। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।